What is up my crazy family? It's your fam girl here. I'm back with another new vlog. तो आज ना मैं मतलब बहुत 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 ज़्यादा excited हूँ और आज मेरा vlog देखो start हो रहा है कहाँ से? क्या आपसे? थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला आप लोगों को बताने के लिए और मेरा इस चैनल पे बहुत दिन बाद व्लॉग आ रहा है तो आज मैं फाइनली जा रही हूँ मेरा ड्रीम फोन लेने के लिए। मैं मतलब जिस दिन मतलब मैं घूमने के लिए जाई थी, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है बंगाली चैनल पे मेरे व्लॉग्स आते रहते हैं, तो मैं गई थी घूमने के लिए, तब मैं जाके प्री बुकिंग करके आई हूँ। बट मैं मतलब कल था मतलब इंडिया पे लॉन्च वाला डेट, बट कल मेरे को नहीं मिला वो चीज़ बिकॉज नहीं मालूम क्यों बहुत सारे इशू हुए हैं। मतलब मैं जहाँ से बुक की थी एक्रोपोलिस मॉल में, तो वो क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, लेकिन फाइनली आज मतलब आज फोन आ गया है मेरा, तो आज मैं जाऊँगी, अभी जा रही हूँ उसको लेने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ प्रीतम है और उधर शोमैन पहुँच गया है, उसका वहाँ पर एक काम था तो हुआ, बट जाके वो दो ग्लास लस्सी भी पी लिया, बट अभी हम लोग नहीं पहुँच पाए। तो अभी फिलहाल घड़ी पे बज रहा है, मेरा घड़ी ऑलवेज डेड रहता है अभी घड़ी पे बज रहा है 6:30, तो भैया बोल रहे हैं हम लोग पहुँच जाएंगे करीब करीब 7:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटेड हो भी क्यों ना, क्योंकि मैं इस फ़ोन के लिए एकदम 4-5 साल से वेट की हूँ कि एक आईफोन लूँगी, ये वो करके मेरा नहीं हो पाया था लेना। लास्ट ईयर भी सोचे थे कि 13 लेंगे बट पॉसिबल नहीं हुआ था, बट आज फाइनली मैं वो फ़ोन लेने के लिए जा रही हूँ, तो एक्साइटमेंट सोच सकते हो कि कितना हो सकता है। फाइनली पहुँच गया एक्रोपोलिस। शोमैन कितना देर तक वेट किया? 2 घंटा। इतना देर तक बेचारा गर्लफ्रेंड के लिए भी वेट नहीं किया, तभी अंदर जाएंगे और लेंगे। प्रीतम आर यू एक्साइटेड? 24 आवर्स के लिए आईफोन 13 प्रो मेरा और सोमन का है। मेरा वेट करने का मकसद ये नहीं था कि मैं आईफोन लेने आ रहा हूँ, ये लेने आ रहा है। मेरा मकसद था क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो? पर हम अंदर जाके कुछ नहीं बोल पाएंगे बिकॉज वीडियो अंदर वीडियो नहीं बनाने देते ये लोग, तो अभी अंदर जा रहे हैं, क्लिप ऐड कर देंगे, आप लोग देख लेना, फिर बाहर आके आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली वो वक्त आ ही गया था, मैं एकदम इमेजिन के बाहर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और उधर मेरा फ़ोन भी आ चुका था और मैं वेट कर रही थी कब उसको ओपन करूँ। सब पैसा खत्म। घर कैसे है? ट्रेन से स्वाइप होते कार्ड है हमारा। हां बारी की पड़ी है अभी ट्रेन में। हेटे हेटे जाओ साइकिल करके नीचे जा भी भाई। ओए गाड़ी को छोटा गाड़ी को बारे छोटा गाड़ी को ओटा भी फटफट पैसा नहीं। एंड फाइनली वो वक्त आ ही गया जब मैं मेरा ड्रीम फोन ओपन कर रही थी, तो मेरा हाथ लिटरली कांप रहा था इसको ओपन करने के टाइम पे और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। फ़ोन ओपन होने के बाद इतना बार हेलो बोला ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं 4-5 साल जो वेट की उसके लिए ये बोल रहा है कि हेलो फाइनली मैं तुमसे मिल ही गया। ध्यान से देखो, डस्ट अब्सॉर्बर, ठीक है, अब देखो मैजिक, देखो डस्ट अब्सॉर्ब कर लिया। अरे खुले दीची दे दिए और मैं खोले ना। नमस्ते बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी फाइनली मेरे फोन के ऊपर लग रहा है स्क्रीन गार्ड। फाइनली मेरा आईफोन का पूरा चीज़ डन हो गया था और मैं फ़ोन लेके बाहर आ चुकी थी, और इधर बैकग्राउंड सॉन्ग बज रहा था तो इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और या गाइज आप लोगों को ये सब बोलते बोलते एक चीज़ तो बोलना ही भूल गई कि मेरा एक और एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ, उसका नाम है फैम गर्ल। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाओ यार सब्सक्राइब करो, वहाँ पर डेली व्लॉग्स आते हैं।
तो गाइस फाइनली मैं वहाँ से आ गई, और पीछे का पिक्चर मत देखो यार, इतना गंदा है इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, पान का पीक से भरा हुआ। तो अब फाइनली मैंने ले लिया आईफोन 14। आईफोन खरीदना है तो कम से कम 5 घंटा टाइम लेके आना सिर्फ सेटअप करने के लिए। और नहीं, एक बात अगर प्री बुक करना है तो कभी भी एक्रोपोलिस में मत करना। ऐसा बात नहीं है, वो जो भैया था वो बहुत ही अच्छा था, हाँ वो सेम चीज हुआ तो। लेकिन ये लोग मतलब कल भी मैं भी सेम इनसे बहुत झगड़ा की थी, बट फाइनली इन लोगों ने रखा था, क्योंकि मैंने 512 GB बुक किया था और फिर मैं 256 GB ली, क्योंकि 512 GB अभी भी आने में लेट है। तो मैं ये ले ली तो थोड़ा सा इशू था, बट थैंक्स टू शोभिक जी, तो उन्होंने मेरा मतलब ये चीज़ रख दिया था एंड फाइनली मैं मेरा प्रोडक्ट ले ली। मेरे साइड पे और भी दो लड़की थी, वो लोग लिटरली झमेला कर रहा था कि मेरा कहाँ है, मैं इतना देर से रुकी हूँ, बहुत टाइम लग गया। अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाने के लिए। आईफोन लेने के बाद हम लोग आ गए पपी चाट खाने के लिए। आईफोन कैसा लग रहा है? एकदम बात मत कर, मेरा इंस्टाग्राम में मुझे पूरा खत्म कर दिया। तुम लोगों को मजा नहीं आ रहा कि मैं आईफोन ली हूं और ये तो बेचारा काम, आज काम किया पूरा दिन, काम के बाद इधर रुक के 2 घंटा वेट किया, फिर काम के बाद 2 घंटा वेट करके 30 रुपये वाला पापड़ी चाट, 1.5 लाख का फोन खरीद के 30 रुपये वाला पापड़ी चाट खिला रहा है। भूख लगी है ना, फिर भी पैसा नहीं है, आज शोवन पेमेंट करेगा, मैं बाद में दे दूंगी। किडनी बेच के लिया ना आईफोन। फाइनली आ गए हम लोगों का पापड़ी चाट, और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तुम लोग खा भी लिए, कैसा लग रहा है? पापड़ी चाट खाने के बाद हम लोग कैब ढूंढ रहे थे, बट कैब का इतना मतलब फेयर दिखा रहा था तो मेरा और एक किडनी बेच देना पड़ता। फिर हम लोग बहुत ढूंढने के बाद फाइनली एक टैक्सी मिला जिसका फेयर सही था, मतलब ज़्यादा ही था बट फिर भी सही था, उसे करके फिर हम लोग घर के ओर आए। फाइनली कैब मिल गया और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट घर। बहुत देर हो गई है, 9:30 बज रहे हैं, हम लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत 9:45 बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हम लोगों को। तो अभी फिलहाल घर जाएंगे एंड फिर देखेंगे। उस दिन मैं एकदम घर वापस आ गई थी एंड बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, और आज ये तीसरा दिन हो रहा है मेरे पास मेरा फ़ोन है, इसके लिए मैंने बहुत वेट किया, 3 साल से वेट किया मैंने। लास्ट टाइम भी सोचा था कि 13 लूँगी, बट मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि 13 मैं परचेस करूँ। आज से 3 साल पहले मैं कभी सोची भी नहीं थी कि आईफोन लॉन्च होने के साथ साथ मैं परचेस कर पाऊँगी। तो यार ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल एंड कॉमन व्यापार है, बहुत लोग लॉन्च के साथ साथ ही परचेस करते, बट मेरे लिए नहीं था, मेरे लिए एक अचीवमेंट ही है। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आप लोगों के साथ। इस चैनल पर थोड़ा कम वीडियो आ रहा है, आई नो दैट, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा और एक चैनल का लिंक है जहाँ पर मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, आप लोग जाके देख सकती हूँ। हर चैनल का नेम है फैम गर्ल, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट जरूर करना। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं और किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टाटा, बाय। दुनिया के सारे मजे एक तरफ और अपनी कमाई से अपने शौक पूरे करने का मजा वो एक तरफ।